नमस्कार दोस्तों, आरबी मौर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना एक पुराना विजिटिंग कार्ड जो है ओपन कर रखा है, इसको नए डिजाइन में और डबल साइड में कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इन सभी को पेज से बाहर कर लेता हूँ। इसका मैटर मैंने पहले से ही अलग कर रखा है। यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी साइज मैं कर देता हूँ 3.5 × 2 इंच। ये है विजिटिंग कार्ड की स्टैंडर्ड साइज। अब इसी में हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ डिजाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल वर्गाकार में, और फिर इसकी साइज छोटी करेंगे। राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, एक डुप्लीकेट भी हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको राइट साइड में खींच देता हूँ, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं डुप्लीकेट। जैसे इसको सेट करेंगे और इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल कर लेते हैं, वेल्ड कर लेंगे और इसको फिल करेंगे, इसको भी वेल्ड कर लेते हैं। इन दोनों को इस तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है रेक्टेंगल की। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और रोटेट करा के मैं सेट कर लेता हूँ इस कार्ड में। इसको थोड़ा सा और ऊपर की साइड ले जाएंगे, हल्का सा मैं सीधा करता हूँ और ऊपर साइड में यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। इस एरिया को भी हम सब स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को भी फिल कर लें। इस एरिया को जब आप फिल करें, जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि ये कार्ड हमारा इस तरीके से शेप में अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें कलर भी फिल कर लेता हूँ। तो इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे, आउटलाइन नन कर देते हैं। अगर आप इसमें ग्रेडियंट रखना चाहें तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें, यहाँ पर इससे थोड़ा सा लाइट कलर फिल कर लें। यानी यहाँ पर मैंने 90% कलर फिल कर लिया है। इन दोनों के आउटलाइन को कर देते हैं नन। उसके बाद इसमें हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर ये जो लोगो मिल जाता है इसी से रिलेटेड कलर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर इसमें छोड़ देते हैं, कॉपी हो जाता है। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहाँ पर जो है लाइट कलर फिल कर लेंगे या फिर यहाँ पर लाइट कलर फिल कर लें। और इसमें जो है हम ऑरेंज कलर फिल करते हैं, शिफ्ट के साथ एज अप करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इतना एरिया जो है देखने को मिल जाता है। अब इसको मैं इसमें थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर फिल करेंगे और इसके मोड को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, इसमें भी ग्रेडियंट बना लेते हैं इस तरीके से। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा डिजाइन, जस्ट इसका एक डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर, और ये एरिया जो बन रहा है इसको भी हम फिल कर लेंगे। इसमें हम ग्रे कलर फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें हम मैटर भी सेट कर लेते हैं। तो मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा है, बस इसको सेट कर लेते हैं। तो इन सभी को एक साथ हम सेट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप और थोड़ा बहुत इसमें और सेटिंग कर लें। जैसे कि ये साइज बड़ी हो रही है तो इसको छोटी कर लें, और ये जो प्रिंटर्स है इसका नेम का कलर जो है वो वाइट कर लेंगे, और इसको भी हमें वाइट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट होकर शो करेगा। अगर आप ब्लू कलर रखते हैं तो फिलहाल उतना शो नहीं कर रहा है, या तो वाइट वैसे करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लू कलर में तो शो नहीं करेगा। या तो इस एरिया को आप क्या करें, व्हाइट रखें और इस एरिया को आप ब्लैक रखें, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते हैं और लोगो जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे लोगो है 100% लोगो हम वैसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसको हम कर लेते हैं व्हाइट कलर। चाहें तो लाइट ग्रे कलर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे। टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन बिल्कुल इसी के साइज में रखेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। कलर वाइट फिल कर लेते हैं, ग्रे रखें 20% या 30% ग्रे कर लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल की उसे कर करेंगे, इसकी साइज छोटी करेंगे और डुप्लीकेट भी करेंगे। और इसमें हम फिल कर लेते हैं ऑरेंज कलर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रंट पेज यानी फ्रंट साइड का जो है तैयार हो जाता है। ये मैटर चाहे आप बैक साइड में रख लें या फिर यहीं पर अगर आप छोटा कर लें, बहुत छोटा नहीं करना है, 6 पॉइंट या 7 पॉइंट से ज़्यादा हमें छोटा नहीं करना है। तो मैं 7 पॉइंट कर लेता हूँ और ये जो बोल्ड है इसको नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। वैसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, या फिर हटा देते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे तो आप बार कोड लगा सकते हैं, अगर बार कोड लगा कर देखें अच्छा लगे तो यहाँ पर रखें, बार कोड चल सकता है, लेकिन ये जो लाइन है ये नहीं चल सकता है। अब मैं जस्ट इसका डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें फिर से थोड़ा सा डिफरेंट कलर फिल करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे इसमें हमें केवल लोगो यूज करना है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को जो है ग्रे रखते हैं और ये एरिया जो है इसमें हम ब्लैक कलर फिल करते हैं और इसके सेंटर में जो है ये QR कोड बड़ा करके मैं सेट कर लेता हूँ। फ्रंट साइड से जो है QR कोड हटा देते हैं, यहाँ पर सेट करें या फिर बॉटम साइड में सेट कर लें, सेंटर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो नोट्स है, नोट्स को आप बैक साइड में रख लें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा बजटिंग का डिजाइन कंप्लीट तैयार हो गया। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।